कथा ऐसी आती है कि एक दिन परीक्षित जंगल गया खेत खेलने के लिए। परीक्षित ने देखा क्या, एक गौ माता रुदन कर रही है, उनके बगल में एक बैल जिनके तीन पैर कट चुके हैं वो पड़ा हुआ है। उनसे जाकर के पूछा, गौ माता से देवी कौन है आप? गौ माता ने कहा, महाराज मैं और कोई नहीं, मैं पृथ्वी हूं। हाँ, मैं पृथ्वी हूं और ये जो बगल में जो पड़े हैं ना, जिनके तीन पैर कट गए हैं, एक ही पैर है, ये बैल, ये धर्म है। और धर्म के चार चरण होते हैं भैया, सत्य, दान, दया और पवित्रता। सत्य, दान, दया और प्रकट चार ही पद धर्म के। सत्य कौन सा पैर है? सतयुग सत्य था, सतयुग में लोग सत्य बोलते थे। सत्य, दान, सत्य, दान, दया और पवित्रता। जब जब त्रेता आया तो पवित्रता की अधिकता बढ़ी। त्रेता में लोग पवित्रता से, माँ सीता को पवित्रता के अग्नि की परीक्षा दी गई, त्रेता में पवित्रता की अधिकता था, द्वापर में दया की अधिकता हुआ और कलयुग में दान की अधिकता है। दान, तो मैं निवेदन करूं कि उस बैल के एक पैर बचे हैं। एक काला कलूटा पुरुष अचानक दृष्टि पड़ी परीक्षित के, एक काला कलूटा पुरुष उस पैर को काटना चाहता है। परीक्षित ने कहा, इस बैल को समाप्त करने वाला ये, तलवार ले लिया, कहा कि इनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। परीक्षित दौड़ा है उनके लिए, अपने प्राण बचा करके भागा वह पुरुष। और जब थक गया परीक्षित ने बाण संभाल लिया, अब तो जीवित नहीं बचेगा। चरणों में गिर गया वह काला कलूटा पुरुष। परीक्षित ने कहा, कौन हो तुम? उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मेरा नाम कलयुग है, मुझे आश्रय दे दीजिए महाराज, मैं आपके चरणों में आश्रय प्राप्त करना चाहता हूं। परीक्षित ने कहा, तुम्हें और आश्रय? बोले हाँ, चार स्थान दिए कलयुग को, ध्यान दीजिएगा, चार स्थान। कौन कौन सा? ध्रुतम पानम स्त्रिय सूनः यथा धर्मः चतुर्विधः। जहां शराब पी जाती हो वहां कलयुग रहता है। विचार करिएगा आप सभी कि हम कलयुग के साथ रहते हैं कि कलयुग से दूर रहते हैं। जहां शराब पी जाती हो वो कलयुग, जहां शराब पिया जाता है। दूसरा, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग वास करता है। जहां हिंसा होती हो वहां कलयुग वास करता है। जहां हिंसा, हिंसा का मतलब मांस का भक्षण जहां होता है। मछली बेचने वाला उतना दोषी नहीं होता, हाँ, जितना हम खरीद करके उनको स्वीकार करते हैं वो दोषी होते हैं। निवेदन करो। और चौथा स्थान पर स्त्री को जहां कुदृष्टि से देखा जाता है। चार स्थान दिए गए। परीक्षित के सन्मुख कलयुग ने हाथ जोड़ा, कहा कि महाराज ये चार बड़े गंदे स्थान हैं और ये चार स्थान में आपने हमें दिया, कोई अच्छा सा स्थान दे दीजिए। सुत जी महाराज कहने लगे सौनकादिशियों से। परीक्षित ने पूछ लिया, कहा कि तुम अच्छा स्थान मांग रहे हो, अच्छे स्थान की योग्यता भी देखनी चाहिए, और तुम में क्या योग्यता है ये बताओ, क्या योग्यता है? परीक्षित हंसने लगा, बोले क्यों हंस रहे हो? कहा जब मैं अपनी योग्यता बताऊंगा ना महाराज तो आपको विश्वास नहीं होगा। क्या योग्यता? परीक्षित ने अपनी योग्यता गिनाई। रामचरितमानस के उत्तर कांड में चारों युगों के महत्व का वर्णन है। मानस में आप उत्तर कांड में 102 नंबर दोहे के नीचे जब आप मानस पढ़ेंगे तो चारों युगों का वर्णन है। कौन कौन से युग? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में क्या चीज किया जाता था कि कल्याण हो जाता था? मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं, कृत युग सब जो
योगी विज्ञानी कृतयुग सब जोगी करि हरि ध्यान करहि भव प्राणी करहि हरि ध्यान करहि भव प्राणी। कृतयुग में सतयुग में ध्यान करने से मुक्ति मिलती है। उसके बाद त्रेता के लक्षण बताए। त्रेता विभीत यज्ञ नर करहि त्रेता विभीत प्रभु ही समर्पित कर्म भव करे प्रभु ही समर्पित कर्म भव करे। द्वापर कर रघुपति पद पूजा द्वापर कर रघुपति पद पूजा ओ नर भव करे उपायन दूजा नर भव करे। सतयुग में ध्यान का महत्व था, त्रेता में यज्ञ का महत्व था। जब द्वापर आया तो द्वापर कर रघुपति पद पूजा पूजा का महत्व था। और कलयुग में कलयुग के बने नाम कलयुग के कछु संशय नाही सोई भव तर कछु संशय सोई भव तर कछु संशय नाही सोई भव तर कछु संशय ओ नाम प्रभाव प्रकट कहि मानी नाम प्रभाव प्रकट राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब लिखा तो उत्तरकांड के अंत में यही लिख दिया कि यह कलिकाल मलयातन मन कर देहु विचारा। संपूर्ण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपना विचार प्रकट किया। अभी तक अपना विचार नहीं दिया था। अभी तक तुलसीदास जी ने यह नहीं कहा कि मेरे विचार से ऐसा है मेरे मत से ऐसा है। लेकिन तुलसीदास जी ने अंत में कहा यह कलिकाल मलयातन मन कर देह विचार श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। भगवान के नाम को छोड़ करके इस कलिकाल में और कोई दूसरा आधार है ही नहीं। परीक्षित ने जो सुना बड़े गदगद हो गए। परीक्षित कहा धन्य है कलयुग तुम्हारा गुण हाँ तुम्हें हम बड़ा सुंदर सा जी स्थान देंगे। कहाँ दोगे प्रभु? कहा तुम्हें सोने में जगह देंगे। सोना
भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन धातुनम अस्मिन कांचनम, मैं धातुओं में स्वर्ण हूं। सोने में दिया भैया, अब विचार करिएगा सोने में कलयुग रहते हैं। अब आप विचार करेंगे महाराज जी हमने सोना पहना है तो कल से क्या कलयुग को ना पहने? किस स्वर्ण में कलयुग रहता है बताएं भैया? जिस सोने को भगवान को अर्पित करके नहीं धारण किया गया है, समझिएगा। अगर आप अपने लिए गहने लाते हैं, हमारी बहनें हमारी माताएं अपने गले का लाया, कान का लाया, बिंदिया लाया, कड़ी लाए, झुमके लाए, आप पहले मेरे प्रभु को स्पर्श कराइए, प्रभु ये आपका है, आपके आशीर्वाद से मिला, अब आपकी आज्ञा से आपका प्रसाद रूप में धारण कर रहा हूं, समझिएगा। कुछ वस्त्र भी है ना घर में, आप ला रहे हैं दीपावली में, अभी वस्त्र लाएंगे ना, एक नियम बनाइएगा पहले भगवान को। और मैं तो कहूँ दीपावली में वस्त्र लाए ना अपने लिए, बाद में लेना, पहले मेरे ठाकुर के लिए लेना, पहले मेरे गोविंद के लिए। सदैव याद रखिएगा, आप भगवान को अर्पित करके धारण करें, कुछ भी, मैं तो कहूँ एक रुमाल भी अगर आप ला रहे हैं पहले भगवान को स्पर्श कराइए, घर में मिठाई भी आ रही है पहले, कुछ भी वस्तु लाए पहले भगवान को दे। देने से क्या होगा बताएं? भगवान हमारे मैंपन के अभिमान को समाप्त करेंगे, इसको ऐसे समझिएगा जैसे क्षत्रिय जी ने 2 किलो मिठाई लाई, मिठाई लेकर के आएंगे, उनसे पूछा जाएगा क्या है, कहेंगे कि महाराज जी ये मिठाई है, किनकी है? बोले हमारी है। अब जब इनको जब ठाकुर जी में अर्पित किया जाएगा और अर्पित करके जब बांटने लगे, फिर आप पूछेंगे क्या कहेंगे, ये किसके हैं? भगवान के हैं। क्या है? मिठाई नहीं है, प्रसाद है। नाम भी बदल गया, भाव भी बदल गया, केवल अर्पित करने से। इसलिए जीवन में हमें जो कुछ भी मिला है भगवान की प्रसाद मिली है, यही समझ करके स्वीकार करिएगा। और वैष्णवों के घर तो भगवान के प्रसाद ही बनते हैं। हाँ, बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए भैया, शास्त्र कहता है जो बिना भोग लगाए खाता है, स्वीकार करता है, वह व्यक्ति पाप का अन्न खाता है। हाँ, अच्छा किस किस का ठाकुर जी हैं? साधुवाद, आप लोग से ही पूछ रहा हूँ, जिनके घर है वो हाथ पर करेंगे। अच्छा प्रतिदिन किस किस के घर भोग लगता है ठाकुर जी में? मुझे पता था क्योंकि धर्म नगरी थान खमरिया है, सबके हाथ उठेंगे और करना भी। अच्छा चावल का भोग किस किस के घर लगता है? साधुवाद आप सबसे, साधुवाद। अन्न का भोग लगाइए, बाल भोग लगाइए, रात्रि में दूध का भोग लगाइए, जो खाते हो ना भैया, हाँ भोग लगाइएगा, देखना आपके घर में क्या भाव होगा, क्या भाव बनेगा। प्रसाद लेने का स्वभाव डालिएगा, प्रसाद लो बस। और घर में भी भोजन बनाओ ना तो ये सोच करके बनाना चाहिए, मैं ठाकुर के लिए बना रही हूँ, वो खा लेंगे ना, वही घर का मालिक खा लेगा, फिर हम सब खाएंगे। हाँ, ये भाव होना चाहिए। अच्छा दो तीन चीजें से बचिएगा। एक बात मैं आप सबसे शेयर करूं, ढिलवडी में कथा थी, कोरबा के पास माइंस एरिया है, कोरबा के पास ढिलवडी गेवरा, आपने सुना होगा गेवरा कोरबा, तो वहाँ एक गाँव ढेर, वहाँ एक कथा थी, तो SCCL कॉलोनी में सब रुके हुए थे, तो एक 3.5-4 साल की बच्ची थी। कथा के तीसरे चौथे दिन की मैं आपसे बात करूँ, तो उन्होंने बिस्किट का पैकेट लाया था, पार्ले जी बिस्किट का पैकेट, और वो छोटी पैकेट थी,
छोटी वाली कितने की होती होगी वो सुधर 4-5 रुपए की छोटी पैकेट की, तो वो ला करके मुझे दिए। मैंने कहा कि बेटी ये मेरे लिए है। कहा नहीं नहीं महाराज, इसको ठाकुर जी को भोग लगाएंगे आप। आप जब सुबह चाय पियेंगे ना तो आप उनको भी डुबा डुबा करके खिलाइएगा। अब देखो वो छोटी सी बच्ची के जीवन में कैसे संस्कार आया। और जब कथा होती थी ना तो बेटी सामने बैठती थी तिलक लगाकर। ये जीवन का संस्कार होना चाहिए, हमारे भी जीवन में संस्कार उपजने चाहिए। हम भी अपने बच्चों को ये सिखाए कि बेटा भगवान को ही देकर के हमको स्वीकार करना चाहिए। माता पिता ही बच्चों को नैतिक ज्ञान नैतिक आचरणों से आगे बढ़ा सकते हैं। सदैव याद रखें अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए लेकिन नैतिक आचरणों से दूर मत रखिएगा अपने बच्चों को। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज परीक्षित को स्वर्ण परीक्षित ने स्वर्ण का स्थान कलयुग को दिया और आज कलयुग उसी स्वर्ण पर आकर के बैठ गए। किस स्वर्ण पर? परीक्षित के शीश में जो मुकुट है वो भी सोने का है, उसी स्वर्ण पर बैठे। अब आप कहेंगे महाराज धर्मात्मा राजा परीक्षित ये अनीति से अर्जित कैसे हुए धन होंगे, धन इनके पास होंगे? तो आज दरअसल परीक्षित जो मुकुट पहना हुआ है वो जरासंध का मुकुट है और जरासंध क्या है? पापी था, तो मुकुट पर बैठा मति फिरी। और बड़ी प्रसिद्ध कथा है, परीक्षित आखेट खेलने के लिए गया, भूख और प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में गए, कोई उठा नहीं, मरा हुआ सांप उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिए, चले गए। इधर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला, उन्होंने शाप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है आज से 7वें दिन तक छक्के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित को पता चला मुझे श्राप मिल गया, 7 दिन में मुझे तक्षक दिसेगा, परीक्षित रोया नहीं, नाचने लगा। परीक्षित कहता है धन्य है मेरा जीवन, मैंने जो अपराध किया है इनके लिए दंड तो मुझे तुरंत मिलने चाहिए थे, तुरंत मर जाता मैं। 7 दिन भगवान ने जिया, मुझे 7 दिन में मरने का नहीं 7 दिन जीने का वरदान मिला। अच्छा संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कल तक मैं जिंदा रहूंगा, कोई नहीं कह सकता, लेकिन परीक्षित कहता है 7 दिन तक मैं जिंदा रहूंगा, मुझे वरदान मिला है 7 दिन तक जीने का। तो मैं निवेदन करूं, परीक्षित ने पूरे नगर में मिठाई बटवाई, जन्मेजय को राज्य दिया। परीक्षित के 4 पुत्र थे, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। दरअसल परीक्षित का नाम परीक्षित नहीं है, परीक्षित का नाम है विष्णुरात। क्या नाम है? विष्णुरात। और परीक्षित की पत्नी का नाम है ईरावती। आप श्रीमद् भागवत कथा जब पढ़ेंगे, मूल पाठ को जब आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो सप्तम स्कंद में इन सारी चर्चाएं आपको मिलेंगी। मैं तो सदैव कहता हूं भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत ग्रंथ को आजकल हिंदी में भी है, एक साइड संस्कृत एक साइड हिंदी, आप ला करके पढ़िए ना। लोग आते हैं कथा कराने के लिए, कहते महाराज जी भागवत करानी है, भागवत करानी है, भागवत करानी है। हम तो वैसे भी ढूंढते हैं जो कहे भागवत करना है, और भागवत करना बहुत आसान है। कुछ मत करिए, अपने घर एक पिंडरी लगाइए, चौकी लगाइए, एक दीपक जलाइए, भागवत भगवान को रखिए, पुष्प अर्पित करके प्रणाम करके उनको गुरु के रूप में स्वीकार करके भागवत पढ़ना प्रारंभ करिए। सत्य कहता हूं जीवन में बहुत से परिवर्तन आएंगे। शास्त्रमुखी व्यक्ति को शास्त्रमुखी और गुरुमुखी ये होना जरूरी है। हाँ, तो मैं निवेदन करूं परीक्षित को श्राप मिला, आज परीक्षित गंगा जी के तट पर बैठा हुआ है।